भाई योगी आदित्यनाथ की प्रेमिका ने जो तहलका मचाया है और इस गर्माहट की तपिश आपको दिल्ली तक महसूस होगी। जी हाँ, दिल्ली से कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ पे कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है, ये योगी आदित्यनाथ की बेवकूफाना हरकत है। जी हाँ, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के बारे में ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि जो योगी आदित्यनाथ ने किया वो गलत है। अब हम आपको पूरा माजरा समझाते हैं। वैसे तो आपने ये न्यूज़ देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आज हम आपको बताते हैं कि एक महिला ने 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर अपने और योगी आदित्यनाथ के रिश्तों का खुलासा किया है। अब भाई इस महिला ने जो कुछ कहा है बड़ा ही तहलका मच चुका है। इस महिला का कहना है कि कथित तौर पर योगी आदित्यनाथ से उसके संबंध है और योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आई लव यू तक कहा है। तो चलिए, ये था एक तरफ का पक्ष हमने जो आपको बताया। अब हम दूसरे तरफ का पक्ष आपके सामने रखते हैं। दूसरा पक्ष हम लड़की की तरफ से रखेंगे। भाई जो लड़की योगी आदित्यनाथ को अपना प्रेमी और उन्हें अपनी प्रेमिका बता रही है, उसके बारे में कहा गया है कि वो लड़की पहले से ही शादीशुदा है, उसकी शादी टूट चुकी है, महज 10 दिन वो ससुराल में रही और फिर उसके बाद उसे ससुराल से लौटा दिया गया। फिर उसे 10 दिन बाद उसके ससुराल वाले उसे मायके लाकर छोड़ दिया। इसके पीछे रीजन बताया गया है कि लड़की की मानसिक स्थिति सही नहीं है। जी हाँ, उसकी माँ ने भी इसकी पुष्टि की है कि लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लड़की के दहेज में दिया गया सारा सामान लड़की के घर वापस कर दिया गया है, जिसे देख दिन रात लड़की कुड़ती रहती है और अब उसने अपने जितने गहने हैं उन्हें बेच बेच कर कभी लखनऊ से गोरखपुर तो कभी गोरखपुर से लखनऊ का चक्कर काटती है ताकि योगी आदित्यनाथ से मिल सके, अपनी समस्याओं को बता सके। अब जब वो इसमें विफल रही तो बताया जा रहा है कि इस तरह की हरकतों का सहारा लिया गया जिससे योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल किया जाए। अब इस चक्कर में और इस लपेटे में एक पत्रकार भी आ गए। जनाब ने योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी कर दी कि इश्क छुपता नहीं, छुपाने से योगी जी। अब पत्रकार महाशय को जेल की हवा खानी पड़ रही है। ऐसे बताया जा रहा है पत्रकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत की सांस मिली है। वैसे पत्रकार के इस हरकत के लिए उसे 11 दिन की न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि एक ट्वीट के लिए इतनी बड़ी सजा जरूरी नहीं है और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से ही जवाब सवाल करना शुरू कर दिया। वैसे यहाँ आप ये कह सकते हैं कि इस छोटे से मामले को जिसे आपस में निपटाया जा सकता था, इसे इतनी बड़ी तूल दे दी गई कि इसमें राहुल गांधी तक आकूद पड़े। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।